दोस्तों स्वागत है आपका होम टापेस्ट चैनल पर। दोस्तों ट्रायंगल की सिलेक्शन नंबर 34 में आपको बताऊंगा कि मूल त्रिभुज और माध्यिका द्वारा निर्मित त्रिभुज में क्या संबंध होता है। देखिए माध्यिका का तीसरा पार्ट है, इसके पहले आपको दो पार्ट दे चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में जाएंगे सब वीडियो आपको इष्ट पृष्ठ मिल जाएगा, ठीक है। यदि इसको हम अंग्रेजी में बात करें, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, बोलेंगे रिलेशन बिटवीन ओरिजिनल ट्रायंगल एंड मेड बाय मीडियन ट्रायंगल, ठीक। चलिए तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाता हूँ, फिर देखूंगा ना। तो आप ध्यान से सुनिएगा, नोट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। सबसे पहले आप क्या करूँगा, देखिए सबसे पहले ट्रायंगल बनाता हूँ, फिर उसको समझाऊंगा, तब लिखूंगा। टेंशन मत लीजिए, नोट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जितने टॉपिक में पढ़ाते हैं, किसी से क्वेश्चन अगर आ गया किसी एग्जाम में तो आप चुटकियों में लगाएंगे, गारंटी देता हूँ कि चुटकियों में लगाएंगे ना, नहीं। चलिए जैसे कोई ट्रायंगल एबीसी है, एक कोई ट्रायंगल क्या है एबीसी, ये देखिए सीधा कर दो, ये ट्रायंगल एबीसी, ये क्या है क्या ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी एबीसी। अब देखिए ये मान लीजिए क्या है, माध्यिका है, इसको बराबर हम बांट दी, इसको डी मान लेता हूँ, ठीक। और ये देखिए ये भी क्या है, माध्यिका है, ये इसको ई प्रकार दी, ठीक ना। और देखिए ध्यान से ये क्या है, ये भी क्या है माध्यिका है, इसको एफ प्रकार दी, ठीक ना। माध्यिका जो किसी भुजा को बराबर हम बांट दे वही माध्यिका होती है। तो चलिए अब देखिए जो ए बी सी क्या है, मूल ट्रायंगल है, लेकिन जो यहाँ पे देखिए ए डी और ए डी बी ई और क्या सी एफ, ये क्या है माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसके आधार पर ट्रायंगल बनेगा, देखिए ये क्या हो गया, ये आपको हो गया ए डी, क्या हो गया ये हो गया ए डी, सुना नहीं, ए डी हो गया। अब फिर क्या बी ई, अब बी ई क्या हो जाएगा, यहाँ से ले लेता हूँ, ये क्या हो गया, ये हो गया बी ई, क्या हो गया बी ई, सुना आपने, ए डी बी ई, देखो माध्यिका तीन है ना, तो तीन भुजा दिया गया तो ट्रायंगल बन जाएगा ए डी और क्या बी ई। अब क्या सी एफ बचा, तो इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, ये हो जाएगा क्या सी एफ। अब यहां भी लिख सकते हैं, इसी कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ए डी बी ई सी एफ, कोई दिक्कत है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल दोनों का अनुपात क्या है, मूल ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल ये बना है, इसका अनुपात क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है। चलिए अब लिखिए, लिखिए आप मूल त्रिभुज एबीसी अनुपात माध्यिका द्वारा निर्मित कैसे बना दिखा दिए ना, निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, के क्षेत्रफल का अनुपात होता है 4:3। यदि मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है तो माध्यिका द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 3 होगा। यही यदि मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है तो माध्यिका द्वारा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 होगा, यही इनका अनुपात, ठीक ले सकते हैं, होता है, होता ठीक। कोई पूछेगा कि किसी त्रिभुज में मूल त्रिभुज और उस त्रिभुज में माध्यिका द्वारा बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, आप बताएंगे 4:3, 4:3 कहिए या 4:3, ठीक ना। अनुपात पूछेगा 4:3, ठीक। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज में माध्यिका दिया हो तो मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक। ये
लिखिए आप, यदि मूल त्रिभुज, यदि मूल त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं M1, M2 तथा M3 हो, अर्थात देखिए ये क्या हो गया, M1 ये क्या, M2 ये क्या, ये तो पहली माध्यिका, दूसरी तीसरी नाम दे दिए M1 M2 M3। तो मूल त्रिभुज, तो मूल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, का क्षेत्रफल बराबर 4/3, जो अनुपात है यही क्या हो गया, बटे हो गया, जो अनुपात हम बताएं आपको कि अगर A अनुपात B है तो इसको A बटे B ले सकते हैं, अनुपात को बटे में और बटे को अनुपात ले सकते हैं। तो हो गया मूल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4/3 अंडर रूट। हीरोन का सूत्र पढ़ा है आपको, वही लगाने जा रहे हैं, क्या होता है S × S − M1, टेंशन मत लीजिए बता रहा हूँ इसका, ठीक है ना, S − M2 S − M3 यहाँ तक पूरा है, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पर लीजिए S बराबर क्या है, M1 + M2 + M3/2, ये क्या है, यस मतलब क्या, अर्ध परिमाण, क्या अर्ध परिमाप, ये माध्यिका द्वारा बने त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, ठीक। अगर ये ABC होता भुजा द्वारा हो जाता, ठीक। चलिए तो ये आपको हो गया, लेकिन यहीं से देखिए आप सकते हैं, या अगर दे देगा मूल त्रिभुज क्षेत्रफल दे देगा, यदि मूल त्रिभुज क्षेत्रफल दे देगा और उसके माध्यिका द्वारा बने त्रिभुज क्षेत्रफल पूछेगा तो कैसे लगा लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यदि मूल त्रिभुज क्षेत्रफल दे देगा और माध्यिका द्वारा बने त्रिभुज क्षेत्रफल पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, तो आप इस कर सकते हैं, कर लीजिए क्या कि माध्यिका द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो ये 3/4 जो है, चार, देखो जो 4/3 है ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 इंटू मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। ये देखिए यदि मूल त्रिभुज क्षेत्रफल पूछेगा तो माध्यिका के त्रिभुज निकाल के उसका 4/3 निकाल देंगे आ जाएगा, लेकिन यदि माध्यिका द्वारा बने त्रिभुज क्षेत्रफल पूछेगा तो मूल त्रिभुज क्षेत्रफल का 3/4 कर देंगे, यानी इसी को उल्टा, देख रहे ना, ये क्या है, ये हीरोन का सूत्र क्लास 9th में आपको मिलेगा, जहाज वाले एक क्वेश्चन, ठीक है ना, जरूर मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर यही हटा दें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हीरोन का सूत्र, इस सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक ना, तो आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद इस पर हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक ना, क्वेश्चन लेंगे कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, चलिए नोट कर लिए, चलिए अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट आप बता दिए, अब क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, करा किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी आप बताएं कि त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और माध्यिका दिया हो तो त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है 4/3 अंडर रूट क्या, S × S − M1 × S − M2 × S − M3, पता है कि नहीं, लिख देता हूँ, चूंकि मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 4/3 अंडर रूट, कब, जब माध्यिका दिया हो तो मूल त्रिभुज क्षेत्रफल, तीन मुझे दिया है इसे निकाल लूंगा हीरोन फार्मूले से, S × S − M1 × S − M2 × S − M3, ये तो लिखे हैं, अब बताए थे
यस बराबर होता है यम वन प्लस यम टू प्लस यम थ्री अपान, ये क्या है आपका यम वन है, ये क्या है यम टू है, ये क्या है यम थ्री है। तो यहां से निकालेंगे क्या 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे दो बटे दो, तो आ जाएगा आपका 42 बटे दो बराबर 21 सेंटीमीटर, कितना 21 सेंटीमीटर। अब यहां पर देंगे 4 बटे 3 अंडर रूट, बताओ हो गया 21 गुणे 21 में से 13 हटाएंगे आएगा 8, 21 में से 14 डालेंगे 7, 21 में से 15 डालेंगे कितना आएगा 6। अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो 84 आना है, लेकिन लगा दे रहा हूँ 4 बटे 3 अंडर रूट, इसको लिख देता हूँ 7 गुणे 3, 7 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 2, 6 को 3 गुणे 2 और 21 को 7 गुणे 3, बताइए दो बार है रूट से बाहर आ जाएगा, दो बार है रूट से बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 बटे 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे, बताओ 8 दुनी 8 दुनी क्या हो जाएगा 16, 8 दुनी क्या हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, आप लिख देंगे 4। अब यहाँ से 3 से 3 कट गया, आया आपका 7 × 28, 28 गुणे 4 बराबर 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखूंगा, सुना कि नहीं तो नोट करते रहिए आराम से, नोट करते रहिए। चलिए थोड़ा सा क्लियर कम दिख रहा है ना, थोड़ा सा क्लियर कम दिख रहा होगा, अब दिखा ठीक। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज की माध्यिका द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मूल त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, लिखेंगे यहाँ पे मूल त्रिभुज, मूल त्रिभुज का सही बनाते हैं, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 4/3, 4/3 गुणे माध्यिका द्वारा निर्मित त्रिभुज क्षेत्रफल, तो आप दिया देखो माध्यिका द्वारा निर्मित त्रिभुज क्षेत्रफल क्या है 60 है, 60 है, तो अब यहाँ से काट देंगे इसको 3×3 20 बार जाएगा, 20 तेसठ होता है, 20 × 80 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो माध्यिका द्वारा निर्मित त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, यही 4/3 क्या हो जाएगा 3/4, जब माध्यिका द्वारा निर्मित त्रिभुज क्षेत्रफल पूछेगा तो 3/4 हो जाएगा, जब मूल त्रिभुज क्षेत्रफल पूछेगा तो 4/3 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम 3/4 गुणे 100, काट देंगे 4×4 ऐसे काटेंगे 25 बार जाएगा, आया 3×25 बराबर 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको हो गया आंसर, आंसर इस टाइप क्वेश्चन आएगा ऐसे लगा लेंगे, नोट कीजिए। अब एक क्वेश्चन आपको ही और बताऊंगा, यदि त्रिभुज की माध्यिकाएं ट्रिपलेट में हो तो कैसे बताएंगे, तो कैसे लगाएंगे, उसका लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना, इससे भी लग जाएगा लेकिन उसका एक कॉन्सेप्ट और उसको बताऊंगा, पहले इसको आप नोट कीजिए, नोट कर लिए। चलिए अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ता हूँ, कह रहा है समकोण त्रिभुज में यम वन बराबर 8 सेंटीमीटर, यम टू बराबर 15 सेंटीमीटर तथा यम थ्री बराबर 17 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके देखिए यम वन यम टू यम थ्री क्या है माध्यिका है, अब आप जानते हैं कि 8 15 17 क्या है ट्रिपलेट है, क्या है कि ट्रिपलेट है, और जब ट्रिपलेट हो तो उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, भाई ट्रिपलेट तो समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये क्या माध्यिका दिया है, त्रिभुज की भुजा नहीं दिया है, माध्यिका दिया है, त्रिभुज की माध्यिका का भुजा दिया है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 गुणे गुणे माध्यिका द्वारा, माध्यिका द्वारा द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो ये हो जाएगा 4/3। देखो अब ये क्या है, ये ट्रिपलेट है, ये क्या है सर ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या होता है बताएं,
यदि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वही ट्रिपलेट होता है। वही क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक बट्टे दो आठ गुड़े पंद्रह। अरे भैया ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण भी ट्रिपलेट है। देखिए ये समकोण त्रिभुज कहाँ है, ये क्या है समकोण त्रिभुज, ये भी है ना आठ पंद्रह, ये आपको बताए होंगे ये पंद्रह है, ये आठ, ये क्या होगा सत्रह होगा समकोण त्रिभुज में। अब इसके क्षेत्रफल क्या होगा, एक बटे दो आधार की ऊंचाई, यहाँ सात कर देंगे, कट गया दो बार गया, आया कितना इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दी आ गया पाँच, तो दो गुड़े आठ गुड़े पाँच, आठ दिन सोलह गुड़े पाँच बराबर अस्सी सेंटीमीटर, अस्सी सेंटीमीटर आगे से। अर्थात अर्थात क्या निकालेंगे आप, यदि माध्यिका ट्रिपलेट में हो तो मूल त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है। अर्थात देखिए यदि माध्यिका माध्यिका ट्रिपलेट में हो तो मूल त्रिभुज क्षेत्रफल, तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दो बटे तीन गुणे दोनों छोटी माध्यिकाओं का गुणनफल यही होता है। ये देख लीजिए आयक नहीं, यही है, यहाँ से क्या निकालेंगे आप, ये चीज ओआर आर लिखेंगे आप, मूल त्रिभुज क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर दो बटे तीन गुणे दो बटे तीन गुणे दोनों छोटी माध्यिका क्या है आठ और पंद्रह साल करेंगे तो आयक नहीं पाँच, दो गुणे आठ गुणे पाँच बराबर अस्सी सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यदि त्रिभुज की माध्यिका क्या हो ट्रिपलेट में हो तो मूल त्रिभुज क्षेत्रफल होता है दो बटे तीन गुणे दोनों छोटी माध्यिकाओं का गुणनफल। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट माध्यिका का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।